नमस्कार भैया। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। और क्या हाल चाल हाल चाल ठीक है? जो फसल में जो है बैंगन की फसल आपके? में जो है तो पत्ती झुलस रही है और काली पड़ रही है भैया अच्छा जी। अच्छा अच्छा किसान भाइयों, मैं भैया के यहाँ आया हूँ। इनके यहाँ जो है बैंगन लगा हुआ है और बैंगन की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं भैया जी। भैया जी, सर्वप्रथम आपका हम नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? लल्लू राम यादव। लल्लू राम। इनका नाम लल्लू राम यादव है, जो कि ये करीबन इनके पास 2 बीघे के आसपास का बैगन लगा हुआ है। इन्होंने सफ़ेद बैगन जो लंबा वाला आता है वो लगा रखा है। किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि इनकी हाँ भैया, आप बताएं इसमें क्या दिक्कत है आपके इसमें इसमें? पत्ती काली पड़ रही है भैया जी अच्छा और उसके बाद में एकदम काली पड़ जाती है। अच्छा अच्छा पहले चित्ती पड़ती है, और चित्ती पड़ती है, उसके बाद काली पड़ जाती है, काली पड़ने के बाद में सूख जाती सूख है। जाती है। किसान भाइयों, इनका कहना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इन्होंने एक पत्ती तोड़ कर दिखाई है। इस पर आपको काले काले धब्बे नज़र आ रहे होंगे, हल्का पीला सा नज़र, पीला पीला पत्ता दिखाई दे रहा होगा। किसान भाइयों, इसमें इनका कहना है कि ये पत्ते पर काले दाग धब्बे पड़ते हैं और पीला पड़ता है, उसके बाद में पूरा पत्ता ही सूख जाता है। किसान भाइयों, मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको कि इनकी इस फसल में कभी कभी क्या होता है कि इस समय ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंडी के मौसमों में कभी कभी पाले यानी कि जो ओस गिरती है इसके प्रभाव से भी सूख जाते हैं पत्ते, जो पीले पड़ने लगते हैं, इनमें हल्की फुल्की सिकुड़न आने लगती है किसान भाइयों। लेकिन इसके पत्तियों में ऐसा नहीं है किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किसान भाइयों देखिए, इसमें झुलसा का प्रकोप है किसान भाइयों। झुलसा इसमें पत्तियों में झुलसा लगा हुआ है बैंगन की पत्तियों में। तो किसान भाइयों, आपको जो है, यदि आपके खेत में ऐसी समस्या है तो आप टाटा कंपनी का ईशान, जो कि आप 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, और उसके साथ कोई हल्का सा कीटनाशक जैसे एक्सेल कंपनी का जो है, हेटसेल के नाम से आता है, वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद में PI कंपनी का, जो कि रॉकेट के नाम से आता है कीटनाशक, वो डाल सकते हैं आप। इसको 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसके साथ छिड़काव करें तो किसान भाइयों, इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। यदि आपके नज़दीकी दुकानदारों पर, आपके नज़दीकी कीटनाशक बीज भंडार की दुकानों पर आपको टाटा ईशान नहीं मिल पा रहा है, तो नागा अर्जुना कंपनी का आप, जो कि इंडेक्स के नाम से एक दवा आती है, जिसका उपयोग इसमें कर सकते हैं आप। इसके जो उपयोग दर मात्रा है वो 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर घोल बनाकर आप छिड़काव करें तो किसान भाइयों, आप बैगन में लगे पत्तियों में झुलसे की निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपके बैगन में ऐसी कोई समस्या है कि पत्ती काली पड़ रही है, उस पर दाग धब्बे पड़ रहे हैं, या पौधा पीला पड़ रहा है, किसान भाइयों, और किसान भाइयों मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आपकी बैगन की फसल में पैदावार यानी फूल फल कम आ रहे हैं, तो इसके लिए आप किसी बढ़िया कंपनी की, अच्छी कंपनी की PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसे आप देसी भाषा में टॉनिक का नाम दे सकते हैं, टॉनिक के नाम से लोग किसान भाइयों जानते हैं, तो आप किसान भाइयों किसी अच्छी कंपनी की आप अपने नज़दीकी कृषि कीटनाशक की दुकानों से आप लाएं। जैसे कि आप नागार्जुना की आप अटोनिक ला सकते हैं किसान भाइयों, उसके बाद में आप धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड आता है उसको ला सकते हैं किसान भाइयों, और अन्य तमाम प्रकार की, जैसे देवी क्रॉप साइंस का बूम फ्लावर के नाम से आती है दवा, जिसमें नाइट्रोबेंजीन पाई जाती है, किसान भाइयों इसको आप ला कर लगभग इसकी उपयोग दर मात्रा 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से आपके फसलों में फूल फल, कल्ले का फुटाव, और आपके जब फसलों में फूल फल और कल्ले का फुटाव अधिक होगा, पौधे स्वस्थ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो है पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।